नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यमुना और बेतवा नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर एवं संभावित बाढ़ के दृष्टिगत आज जिलाधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने संयुक्त रूप से यमुना एवं बेतवा नदी का जायजा लेने के उद्देश्य से बड़े देव बाबा मंदिर स्थित पंप हाउस एवं बेतवा नदी तथा कल्पवृक्ष स्थित पंप हाउस पहुंचकर दोनों नदियों की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि हमीरपुर जिलाधिकारी ने बाढ़ से निपटने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बड़े देव बाबा एवं कल्पवृक्ष स्थित दोनों पंप हाउस के फ्लैप वॉल बंद कर दिए गए हैं ताकि नदियों का पानी शहर में ना घुसने पाए तथा दोनों जगह शहर के पानी को निकालने के लिए चार चार पंप सेट लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि और अतिरिक्त पंप सेट की भी व्यवस्था कर ली जाए ताकि इमरजेंसी में कोई समस्या ना हो। जिलाधिकारी ने नदियों के किनारे स्थित गांव में अलर्ट करने के निर्देश दिए हैं तथा कहा कि नदी क्षेत्र में आकेट अथवा अन्य कोई गतिविधि न की जाए। कहा कि बाढ़ से निपटने हेतु राहत सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाए तथा लोगों के लिए राहत शिविरों की तत्काल व्यवस्था करने वहां खाने पीने एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि बाढ़ राहत केंद्रों पर चिकित्सकीय सामग्री पशु हेतु चारे पानी भूसे की पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाए। और यमुना में बढ़ते हुए जलस्तर को दृष्टिगत रखते हुए उन सभी तैयारियों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है जो आगे आवश्यकता पड़ सकती है। क्षेत्र का भ्रमण कर लिया गया, ये सुनिश्चित कर लिया गया कि कस्बे में या आसपास के गाँव में पानी अगर बढ़ता है तो हमको वहाँ क्या क्या व्यवस्था की जाएगी। ड्रेनेज के लिए दोनों तरफ चार चार पंप लगा दिए गए हैं और आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को भी जागरूक कर दिया गया है, इसमें फोर्स को भी सतर्क कर दिया गया है कि कहीं से भी कोई सूचना मिलती है, किसी को अगर कोई खाना बनाने में परेशानी है कि आग नहीं जल पा रहा है उसके लिए प्रबंध, कोई चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करना चाहता है तो वहाँ टीमें भेजी जाएंगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी अपने सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और निरंतर भ्रमणशील रह करके हम लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि यहाँ पे लोगों को किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। बीसीएन न्यूज़ के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खबर सुल्तानपुर से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुण वर्मा के नेतृत्व में जनेश्वर मिश्र छोटे लोहिया की जयंती के उपलक्ष्य में साइकिल रैली निकाली गयी। साइकिल रैली समाजवादी पार्टी जयसिंहपुर के कार्यालय नंदीधाम से शुरू होकर बगिया चौराहे से होते हुए लगभग 8 किलोमीटर के बाद बरोसा बाजार में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, हर गली हर मोहल्ले से एक समाजवादी योद्धा निकलेगा जो इस छात्र विरोधी गुंडों की भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने में समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। अब वह दिन दूर नहीं जब अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। 2022 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और एक बार फिर प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। मुख्य रूप से युवाओं ने बढ़ चढ़ के साइकिल रैली में अपनी आवाज बुलंद की, महंगाई बेरोजगारी आदि मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जोश देखते ही बना रहा। देखिए, आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे छोटे लोहिया जी के नाम से जो विख्यात संघर्षों के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय जिनेश्वर मिश्र जी की जयंती के अवसर पर आज साइकिल रैली के माध्यम से हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार चल रही है उनकी नाकामियों को बताने के लिए, उनका पोल खोलने के लिए ये साइकिल यात्रा का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, जनपद में, हर विधानसभाओं में, तहसील स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आज महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल गैस का दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है, भ्रष्टाचार गुंडा राज हर तरफ आज जनता त्राहि त्राहि कर रही है। आज उसी क्रम में हम लोग साइकिल चला के लोग जनता के बीच में जाएंगे और आज हम लोग स्वर्गीय जिनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन जयंती के अवसर पर हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि जो ये नकली देशभक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, नकली देशभक्त है, आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि आज से हम लोग निकल के साइकिलों के माध्यम से, चूंकि डीजल पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि अब मोटरसाइकिल से कोई आदमी चल नहीं सकता है और ख़ासतौर से किसान आदमी, तो हम लोग साइकिल, हम लोग का निशान भी सिंबल भी साइकिल है,
साइकिल के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उनको बताएंगे। और जिस तरह से आज पूरे प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है, आज आप देख लीजिए 108 नंबर एम्बुलेंस, ये जो 108 नंबर एम्बुलेंस माननीय अखिलेश यादव जी ने गरीबों के लिए चलाई थी समाजवादी सरकार ने, आज ये भाजपा सरकार 108 नंबर एम्बुलेंस के ड्राइवर की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, वो बेचारे हड़ताल पे हैं, हर तरफ अराजकता का माहौल है और आम जनता ने मन बनाया है कि हम लोग समाजवादी पार्टी की दोबारा सरकार लाएंगे और जो सरकार चल रही है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को उसको हटाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति है? देखिए अब चुनाव शुरू हो गया है और वैसे भी हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हारने के बाद से ही हम लोग से अगले दिन से अपना चुनाव मानते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता के सुख दुख में उनके बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं और हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अभी चुनाव स्टार्ट हो चुका है, 5-6 महीने के चुनाव का वक्त बचा है, हम लोग गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का काम हम लोगों का चल रहा है, संगठन को और मजबूती देने का काम चल रहा है और गांव-गांव जाके एक एक व्यक्ति से मिलकर हमारे समाजवादी पार्टी के संगठन जो हमारे तमाम साथी हैं नौजवान साथी, क्योंकि विशेष तौर से नौजवान साथी आज एक तरफा समाजवादी पार्टी के प्रति वो देख रहे हैं और आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी सरकार बनाने का काम करेंगे। इस साइकिल रैली के माध्यम से जयसिंहपुर विधानसभा के क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए इस रैली के माध्यम से जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में मिशन न्यूज के लिए सुल्तानपुर से प्रमोद यादव की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने समाजवाद के प्रचंड समर्थक तथा प्रखर समाजवादी नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी साइकिल यात्रा का आरंभ राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी रमेश प्रजापति द्वारा बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय हापुड़ से झंडी दिखाकर किया गया। भारत इस साल कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ गया था जिससे काफी हाहाकार मच गया था और अगर बात की जाए कानपुर की तो कानपुर में भी ऑक्सीजन को लेकर काफी मारामारी रही और कितने ही लोग ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अपनी जान भी गंवा बैठे थे, मगर दूसरी लहर की बात सरकारी अब जाग चुकी है जिसको देखते हुए जगह जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। वहीं कानपुर में भी नगर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा 5 संस्था के समर्थन से 1000 LPM ऑक्सीजन उत्पादन का सेंटर लगाया गया है। यह प्लांट लग जाने से उर्सुला अस्पताल में अगर 500 मरीज को 24 घंटे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो उर्सुला अस्पताल को किसी से भी ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस प्लांट में ही इतनी ऑक्सीजन तैयार हो जाएगी। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के उद्घाटन के बाद विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इस ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना ऑक्सीजन चिकित्सा की मांग को पूरा करने और उत्तर प्रदेश के प्रभावित लोगों को कोविड-19 से ठीक होने के लिए सही उपचार प्राप्त करने में मदद करने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें उम्मीद है कि हम भविष्य में इस तरह की और संयंत्र स्थापित करेंगे। देखिए कानपुर में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और देश के साथ पहली लहर बड़ी खतरनाक थी और उसके बाद जब दूसरी लहर आई उसमें भी हम सब लोगों ने देखा कि काफ़ी चुनौतियां बन गई, हमारे जो संसाधन थे सरकारी संसाधन थे, अचानक इतनी बड़ी महामारी आई जो हम सब लोगों के लिए चुनौती बन गया। इसके लिए ऑक्सीजन की जो कमी के लिए हम सब लोगों ने तीसरी संभावित लहर जिसकी चर्चा हो रही है उसके लिए एडवांस में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर यहाँ पर भी पूरे कानपुर के अंदर हमारे सरकारी संस्थानों पर भी और व्यक्तिगत जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जो प्राइवेट संस्थान हैं मेडिकल के हमारे, उनके यहाँ भी इस प्रकार के ऑक्सीजन के व्यवस्था को करने का काम किया जा रहा है जिससे तीसरी लहर में किसी को भी ऑक्सीजन से प्रॉब्लम ना हो। उसी कड़ी में यहाँ उर्सुला हॉस्पिटल में 1000 LPM का यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया है जिसके आधार पर लगभग 100 से 150 लोगों को ऑक्सीजन की नियमित सप्लाई हो जाएगी। अब ये उर्सुला हॉस्पिटल हमारा पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया है इसलिए ऑक्सीजन के लिए अब हमको भटकना नहीं पड़ेगा। पाथ की इस संस्था के माध्यम से टेक्निकल
सहयोग के माध्यम से आज इसका उद्घाटन किया गया। सर सेकंड वेव में देख लीजिए। नहीं देखिए, पूरी तैयारी है। आप अगर ध्यान दें तो हम सब लोग भी कहीं ना कहीं इस पर अपने कारण से भी, हमारे कारण से भी ये बढ़ गया। जब पहली लहर दिसंबर में समाप्त हो रही थी और मार्च के आसपास दूसरी लहर आ रही थी, वो 2-3 महीने का कालखंड जब हम सब लोगों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन छोड़ दिया था, मास्क छोड़ दिया था, सरकार की गाइडलाइन का पालन छोड़ दिया था, और फिर से जब ये दूसरी लहर आई और ये दूसरी लहर जिसको हम समापन मान रहे हैं, जिसपे तीसरी लहर की संभावनाएँ हो रही हैं, आज हम सब लोगों को फिर अवेयरनेस की ज़रूरत है। लगातार मोदी जी और योगी जी अपील कर रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन का कोविड को लेकर के पालन हम सबको करना चाहिए, लेकिन अब तीसरी लहर के लिए हम सब लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, जिसके लिए ये सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत इस 1000 LPM के आज इस 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट बहुत बड़ी बात होती है। ये ऑक्सीजन प्लांट है और 500 लीटर प्रति मिनट का प्लांट यहाँ पहले से था। अब उर्सला की क्षमता लगभग 1500 लीटर प्रति मिनट की हो गई है ऑक्सीजन की, इतनी आवश्यकता भी थी यहाँ पर। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत से सरकारी PSC है, CSC, वहाँ भी ये व्यवस्था की जा रही है। और योगी सरकार ने जो वादा किया था आगे की वेव में कम से कम, और खासतौर से जो बच्चों को प्रभाव होने वाला था, उसके लेकर तैयारियाँ की गई। और प्रशासनिक रूप से यहाँ आपके चिकित्सकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो वेव में इन्होंने अच्छा काम किया था, लोगों की जान बचाई थी, उसके लिए उनको बहुत आभार है। सर, जो प्लांट लगाया गया था, ऐसा प्लांट और भी लगाए जाएंगे? हाँ, ये तो अस्पतालों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी जितनी क्षमता है, ये प्रस्तावित भी है। जन सहयोग से भी यहाँ पर प्लांट लग रहे हैं, और सरकार के सहयोग से भी प्लांट लग रहे हैं, और विधायक निधि से भी प्लांट लग रहे हैं। मैंने भी बोल रहे ना वो, और चूँकि कोई भी प्रॉब्लम है वो जन सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाती दूर करना। और मैं बहुत आभारी भी हूँ खासतौर से पार्क संस्था का, और जिन्होंने यहाँ का बिल मिलियन गेट्स फाउंडेशन ने जो ये काम किया, उसके लिए ने जो ये किया यहाँ पे लगाया है, उसके लिए बहुत उनका आभारी भी हूँ। सब बहुत आभारी। मिशन न्यूज़ के लिए कानपुर से विवेक मिश्रा की रिपोर्ट। मिशन न्यूज़ की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए मिशन न्यूज़। नमस्कार।